अपहरण से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेशी हुई है। आरोपियों को जेल भेजा, शूटर रोहित और नितिन की कोर्ट में पेशी। तो ये बड़ी जानकारी, गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, आरोपियों को जेल भेजा गया। तो कोर्ट से आरोपियों को लेकर के पुलिस रवाना हुई है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, सुरक्षा के व्यवस्था वहां पर देखने को मिली, चाक चौबंद व्यवस्था की गई, 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेशी, ये बड़ी जानकारी, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से आरोपियों को लेकर के अब पुलिस रवाना हुई है। गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में आज आरोपियों की पेशी हुई है और कोर्ट से आरोपियों को लेकर के पुलिस भी रवाना हुई, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से आरोपियों को लेकर के यहाँ पर पुलिस रवाना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लवली, हमने तस्वीरें देखी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई, अब यहाँ पर आरोपियों को लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेशी भी हुई, अब पुलिस उनको लेकर के रवाना हो चुकी है, जेल भेजा गया है, क्या जानकारी? देखिए, सभी आरोपियों को इस वक्त जो है कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। सभी 7 आरोपियों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया था। पूरे मामले की कार्रवाई, जो फीडबैक था, अब तक की जो चार्ज रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने देखी, तमाम केस डायरी को कोर्ट ने देखा। जो जज है एनआईए स्पेशल कोर्ट के, रविन्द्र कुमार सेकंड, उन्होंने इस पूरे मसले की सुनवाई की है। पूरे मसले की सुनवाई के बाद में करीब 30 से 35 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में काफी दलीलें जो थी वो जो है वो कोर्ट के अंदर जो है जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से रखी गई। इसके अलावा जो आरोपियों के अधिवक्ता थे उनके तरफ से भी बात रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में शूटर रोहित राठौर, नितिन फौजी, रामवीर जाट, उद्धम सेन, राहुल, सुमित, भवानी सिंह और रोनी, 7 आरोपियों को पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 जनवरी तक जो है वो कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। और इस मामले में एनआईए की ओर से जो एडवोकेट तेज प्रकाश शर्मा है उन्होंने अपना पक्ष रखा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये पूरी सुनवाई चली। ईआरटी क्यूआरटी की स्पेशल 90 टीमें जो थी वो यहां पर मौजूद थी और पूरी सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट जो है पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील रहा। अभी भी कोर्ट के आसपास के इलाकों में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। तमाम आसपास के थानाधिकारियों को लगाया गया है, रूट लाइनिंग लगाई गई है और काफी इंटेलिजेंस के सोर्सेज को जगा करके पूरे इस सुनवाई को जो है वो समाप्त किया गया है। अभी इस मामले में पूजा सैनी नाम की जो एक महिला आरोपी है उसे पेश नहीं किया गया है, उसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पूजा सैनी से अभी इस वक्त एनआईए की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है, हैंड ओवर टेकन ओवर हुआ राजस्थान पुलिस और एनआईए के बीच में। तो एनआईए को जो इनपुट मिले हैं इस पूरे सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर के उन पर बारीकी से जांच की जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जिस तरीके से तार जोड़े गए और तमाम शूटर्स से जो जोड़ जुड़ाव जो सामने आया है उनको कागज में लेने का काम जो है वो एनआईए कोर्ट कर रहा है। एनआईए की जो टीम ने कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दहशतगर्दी जैसा ये कहा गया, इस घटनाक्रम को दहशतगर्दों वाला घटनाक्रम कहा गया कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट ने इस मसले की जो तमाम जो चार्जेस लगाए गए थे पुलिस की ओर से, जो राजस्थान पुलिस और एनआईए के बीच में जो हैंड ओवर टेकन ओवर हुआ उसको लेकर के जानकारी ली कोर्ट ने। पूरी जानकारी लेने के बाद में एनआईए ने कोर्ट ने यह फैसला किया, माननीय न्यायाधीश ने, इन तमाम आरोपियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है, क्योंकि पूछताछ अब करीब करीब पूरी हो चुकी है, हथियारों की बरामदगी भी हो चुकी है लेकिन कुछ एक स्थानों की तस्दीक करना बाकी है, तो उसको लेकर के जरूर यहां पर कुछ बात रखी गई लेकिन बाकी मामलों में पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो ऐसे में कोर्ट ने तमाम 7 आरोपियों को जो है वो जेल भेजने के आदेश दिए। हालांकि एनआईए की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अभी और वक्त चाहिए और बातचीत करनी है, जैसी जानकारी मिल रही है जो सोर्सेज बता रहे कि कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं था, जो आज मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था कोर्ट के अंदर, लेकिन एनआईए ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है और पेश किया गया कोर्ट के अंदर। अभी कोर्ट में बाकी क्या दलीलें रखी गई, क्या कुछ सामने आया वो देखने वाली बात होगी, मगर एक सनसनीखेज जो घटनाक्रम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी शूट कांड जो था जयपुर का, उस मसले के तमाम 7 आरोपियों को पेश किया गया है। पूजा सैनी को पेश क्यों नहीं किया गया इस बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन बाकी और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या नए इनपुट जो और जुड़े हैं उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी गई है। जो एनआईए कोर्ट के जो रविन्द्र कुमार है माननीय न्यायाधीश, उनकी कोर्ट के समक्ष ये पूरी सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान कोर्ट का जो थर्ड फ्लोर है जो कि यहां पर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर स्थित है, इस कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील रहा। 90 से ज्यादा हथियार बंद जो थे पुलिस के शूटर्स यहां पर मौजूद थे, इसके अलावा बाकी जवान
यहाँ पर मौजूद थे और एनआईए की टीम ने बहुत बारीकी के साथ में तमाम चीजों को कोर्ट के समक्ष रखा और कोर्ट के समक्ष रखने के बाद में करीब 35 मिनट की सुनवाई के बाद में कोर्ट ने यह फैसला किया तमाम दलीलों को सुनने के बाद कि इन आरोपियों को सुरक्षा के मद्देनजर जेल भेजा जाना चाहिए। अब 2 जनवरी को इस मामले में जो संबंधित आरोपी इनके मामले में 2 जनवरी को 2024 को नए साल में इस कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, जिसके बाद में कोर्ट आगे का रास्ता तय करेगा कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इस पूरे मसले में आगे क्या कुछ करना है। सबसे बड़ी बात यह कि एनआईए को यह केस जो है वो गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद दिया गया। गृह मंत्रालय ने इस घटना को लेकर के चिंता जाहिर की थी कि राजस्थान में इस तरह का घटनाक्रम हुआ। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा है। मामले में शूटर रोहित और नितिन को जेल भेजा। आपको बता दें कि रामवीर जाट, उद्यम सेन, राहुल को जेल भेजा गया, सुमित भवानी सिंह उर्फ रोनी को जेल भेजा गया। तो 7 आरोपियों को भी एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। तो चलिए अब 20 मिनट